फलोड़ा खजूरिया मोहल्ले में 6 कनाल जेडी लैंड पर लैंड माफिया है जो कब्जा कर रहे हैं। एक वीडियो है वो हम आपको दिखाएं। ये वीडियो सड़क किनारे ही कंस्ट्रक्शन हो रही है और जो जानकारी हमें दी गई है उसके मुताबिक ये 6 कनाल जगह है और यहाँ पर ये जेडी लैंड है और यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रही है जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस पर बात करेंगे और वार्ड नंबर भी मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर है 59। 59 वार्ड नंबर है और सुनने में आया है कि लैंड माफिया है जो ये कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा हैं जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह की चीजें हो रही हैं फ्लोरिडा में और ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? वहाँ के लोग जिन्होंने ये सोचा था कि जेडीए इस जगह पे कोई पार्क बनाएगा या कॉमन काज की कोई चीज़ बनाएगा, उन लोगों ने ऑब्जेक्ट किया होगा, लेकिन इन लोगों का जो कब्जा कर रहे हैं, लैंड माफिया है और खास समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, ये दाड़ा मारते हैं लोगों को और डराते हैं। मुझे प्राइवेटली कुछ लोगों ने बताया और मैंने अपने लेवल पर वेरीफाई किया कि वो 6 कनाल जगह है जो खसरा नंबर 1080/2 है और लिखा अस्सी हुआ बटा है दो एक दो, अच्छा उसमें रिकॉर्ड में मेंशन है कि ये 6 कनाल जगह जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की है और उसपे कब्जा हो रहा है। अब दो एजेंसियां सरकार की जिन्होंने इस ये तो पे, कब्जा छुड़ाते हैं जेडीए वाले, तो इनकी जमीनों पे भी ये दो कब्जा? एजेंसीज हैं, एक तो शहर में कोई ईंट भी लगा जाए तो खिलाफवर्जी का जेडीए सॉरी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो खिलाफवर्जी विंग है वो दौड़ के आते हैं, एक ईंट भी नहीं लिखाने देते, हर एक को परेशान भी करते हैं। खैर, रूल ऑफ लॉ भी लागू होना चाहिए और जेडीए मालिक है उस जगह का, वो भी खामोश हैं और खिलाफवर्जी जम्मू कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले भी खामोश हैं। जब इन लोगों ने मुझे अप्रोच किया इस उम्मीद से कि भाई मेरा मेरे जब मैं बात करूंगा तो प्रशासन सीरियसली लेगा, मैंने खिलाफवर्जी ऑफिसर जो चीफ खिलाफवर्जी ऑफिसर हैं उनसे लेके और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हाई ऑफिसर तक और जेडीए के हर स्टाफ के हर मेंबर तक ऑफिसर तक, और परसों मेरी वाइस चेयरमैन से भी बात हुई इस मामले में कि आपकी जगह है, इस जगह को आप प्रोटेक्ट कीजिए और म्यूनसिपैलिटी वालों को आके आप खिलाफवर्जी हो रही है धड़ल्ले से, आपने वीडियो देखा धड़ल्ले से खिलाफवर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, और जो भी स्टाफ का आदमी वहां जाता है जब मैं उनको पूछता हूँ कि आपने क्या किया, नहीं जी वो जगह का मतनाजा है ये है, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड सीधा बोल रहे हैं। और मेरा ये एलिगेशन है कि ये जो फील्ड स्टाफ है ये इनके साथ मिलके और साथ होकर कब्जे करवा रहे हैं। आपको याद होगा जब डिमोलिशन ड्राइव चली थी यहाँ पे तो लोग कहते थे लोगों के इतने इतने बड़े मकान एडमिनिस्ट्रेशन तोड़ दिए, जब ये बन रहे थे लोग क्यों नहीं बोले, जो कंसर्न ऑफिसर थे जो डिपार्टमेंटों के वो तब खामोश क्यों रहे, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब ये मौका है साथ होकर ये सरकार की जबर कब्जा करा रहे हैं। मैं ये तो डिमांड कर रहा हूँ कि ये जगह खाली होनी चाहिए, मैं ये भी डिमांड कर रहा हूँ कि जो ऑफिसर जिनके डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी है जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम ठीक तरीके से नहीं दे रहे उनके खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मजाक बन गया है, एक शरीफ आदमी जम्मू शहर में 3 मरले जगह लेता है अपने कमाई से मेहनत करके, उसके बाद उसको जगह कोई अपने नाम करवाने के लिए उसको बूट घिस जाते हैं, उसके नक्शा पास कराने के लिए उसको उबर निकल जाती है, बिजली का कनेक्शन पानी का कनेक्शन लेके वो परेशान हो जाता है। और ये लोग दिल्ली से आते हैं कोई भी जगह कब्जा कर लेंगे, इनको बिजली का कनेक्शन मिल जाता है, पानी का कनेक्शन मिल जाता है और कंसर्न मतलब डिपार्टमेंट जो है सारी सारी खामोश रहते सेवाएं। हैं। जो चोर है जो कानून को नहीं मानता है उसको प्रशासन के कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लॉ अबॉर्डिंग सिटीजन है उसको हर कदम पे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। तो ये बड़ा सीरियस कंसर्न है, फलोड़ा शहर का हिस्सा है और खजूरियों का मोहल्ला है, बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, उसके आगे पीछे धार्मिक स्थल है। आप कैसे एलो कर रहे हैं वहाँ नजायज कब्जा, ये जो आप कहते हैं ना ये उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में गड़बड़े, झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने पढ़ा रेवेन्यू रिकॉर्ड, मैं भी वकील हूँ, पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड क्लियर बोलता है कि वो जगह जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, ये आंखें बंद के बैठे हुए हैं, ये आंखें बंद में बंद करके रूपनगर अपर रूपनगर में भी बैठे हुए हैं लोग सरेआम कब्जे कर रहे हैं और खास करके एक समुदाय के लोग, और ये खामोश रहते हैं, ये तो कह रहे हैं मालकियत जमीन है कुछ। गलत कह रहे हैं, बल्कि जमीन है। मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड उनको दिखाया, व्हाट्सएप करके भेजा, मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिए उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का कब्जा है उस जगह के ऊपर, स्टेट तो सारी लैंड सरकार की है लैंड, लेकिन मकबूजा जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी लिखा हुआ ये है। जो डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हाँ हैं दिखा सकते हैं, इसमें अच्छा 1082 में देखिए क्या लिखा आगे। तो फिर जेडीए वाले खामोश हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले खामोश हैं, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को आपके माध्यम से ये उनके नोटिस में लाना चाहता हूँ, मैं ये आपका कोशिश करूंगा कि आपका ये वीडियो उनके तक पहुंचे कि कम से कम वो तो पकड़े ना ऑफिसर्स को, कैसे कर रहे हैं धांधली ये, और आम आदमी के लिए इतनी परेशानी रहते हैं। मैं बहुत से केसेस जानता हूँ जिनका इन्होंने जीना हराम किया हुआ है।
तो मरले जगह का मालिक जो है उसका भी। और यहाँ पे छे शेख कनाल जगह जिसकी कीमत मेरे हिसाब से 5 करोड़ बनती है, 5 करोड़ की कीमत की जगह ये लूटी जा रही है और ये खामोश बैठे हुए हैं। तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि ये चीफ सेक्रेटरी साहब इसको इसका संज्ञान लें और इस जगह को बचाएं। ये कॉमन काज के लिए आ जाएगी, किसी और काम के लिए आ जाएगी। यहाँ पार्क बन सकता है, यहाँ कम्युनिटी हॉल बन सकता है उसके नहीं, लिए। ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि आपने अप्रोच की ऑफिसर चुप्पी साध के बैठे हैं, क्योंकि बीजेपी के लीडर तो नहीं बीच में शामिल हो गए हैं? मैं कह नहीं सकता हूँ बीजेपी का लीडर या कांग्रेस का लीडर है, कोई भी लीडर होगा रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करना चाहिए। बार बार हमारी एडवाइजर कहती है कि कानून के आगे कोई आगे नहीं आ सकता। एलजी साहब भी कहते हैं हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे। यहाँ उनके नोटिस में ये बात नहीं आई होगी, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में बात लाना चाहता हूँ कि इसमें मुदाखलत करें, जेडी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो स्टाफ उनसे पूछें कि ये खामोश क्यों है इसके ऊपर, और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। जगह तो खाली होनी होनी है, उसके लिए हम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन जो जो डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी जिन्होंने अपने फर्ज को नहीं निभाया उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कैसे कब्जे हो जाते हैं सरकारी जगह के ऊपर। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। ठीक है, हाँ, नहीं, इस मैटर में मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमने जेडीए के जो आला अधिकारी थे उनसे भी बात करने की कोशिश की। उनको हमने पूछा कि क्या आपकी जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रही है, तो क्योंकि इन्होंने स्वयं भी इनको अप्रोच किया था, तो जैसे ये बता रहे हैं तो उन्होंने कहा हमें हमें अप्रोच किया गया था, हमने वेरीफाई किया है, और तहसीलदार ने बताया है उनको, जीडीए वालों को, कि ये जमीन जो है वो मालकियत जमीन है, जो खसरा नंबर ये बता रहे हैं। अब उसके बाद हमने तहसीलदार साहब से पूछा तो वो कह रहे हैं कुछ गड़बड़ तो है, हम वेरीफाई कर रहे हैं, पटवारी अभी है नहीं, शायद वो ट्रांसफर हो गया है, वहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है, ये काफ़ी बड़ा खसरा नंबर है, और इसमें कुछ जमीन मालकियत है और कुछ जेडीए है। अब ये कौन सा हिस्सा जेडीए है और कौन सा वाला है, ये अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, जब पटवारी आएंगे तो फिर कुछ होगा। लेकिन ये सोचने की बात है कि एक विशेष समुदाय के लोग शहर के बीच में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि ये जो वेरिफिकेशन का टाइम है, ये जो बहाने हैं, ये मौका मिल जाएगा उनको अपनी तामीर मुकम्मल करने का। उसके बाद आप नोटिस देंगे तो वो ट्रिब्यूनल से स्टे ले लेंगे, तब तक कि ऑफिस ट्रांसफर हो जाएंगे, कहीं कहीं चले जाएंगे। ये एक बहाना होता है जब नजायज बिना नक्शा पास कराए कोई कंस्ट्रक्शन करता है, आप एकदम उसको रोक सकते हैं। सामान भी उठाते हैं कई बार, आप लोग गरीब लोगों का सामान तो उठाते हैं, गहतियाँ कहीं ले जाते हैं, आपके पास ढेर लगे हुए हैं, यहाँ क्यों नहीं आप एक्टिव होते? ये सोचने वाली बात है, कई जगहों पर हमने देखा है जब कईयों की तो खुद की जमीन होती है, वहां जाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो ताकत दिखा रहे होते हैं कि देखो हम कितने ताकतवर हैं, और जहां दिखानी होती है वहां चुप हो जाते हैं। ये बात समझ नहीं आती, या कोई पैसा वैसा मिल जाता है या कोई और मामला है, लेकिन चुप जरूर हो जाते हैं, ऐसा देखने को मिला है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत, नमस्कार।